हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो ICICI म्यूचुअल फंड द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। ये एक ऐसी फंड स्कीम है जिसके अंदर आप SIP कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न हैं वो 23.32% के हैं। इसके अलावा पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 27.91% के हैं। पिछले 3 साल में भी इस फंड ने 33.54% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 1 महीने के भी इसके रिटर्न्स 3.63% के हैं। अब दोस्तों, इस फंड के अंदर अगर आप मान लीजिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, यानी जैसी आपकी सैलरी आई और आपने हर महीने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जैसा ये परफॉर्मेंस अभी तक दे रहा है, अगर उससे भी थोड़ा कम ये परफॉर्मेंस हमें दे देता है, यानी अगर ये 20% तक के रिटर्न्स भी हमें दे देता है आने वाले टाइम में, तो मात्र 10 साल के अंदर हमारा टोटल पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो 6 लाख रुपए होगा, जबकि इस्टीमेटेड रिटर्न हमें 13,11,000 रुपए के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 19,11,000 रुपए की हो चुकी होगी। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप 10 साल तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आप अगर चाहें तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए भी अपने पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। जितने ज़्यादा समय के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मान लीजिए आज आपकी एज 30 ईयर्स है, आपका कोई बच्चा है, आप उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, चाहे उसकी एजुकेशन हो या उसकी शादी का खर्चा हो, उससे फ्री होने के लिए आज से 5,000 रुपये की सेविंग करके इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, या आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आपके पास में दोस्तों 20 से 25 साल का समय है। मान लीजिए आप 20 साल तक भी अगर इस फंड के अंदर कॉन्टिन्यू 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 12 लाख रुपए का होगा। जबकि अगर ये 20% के रिटर्न्स को मेंटेन कर लेता है अगले 20 सालों तक, तो ये 12 लाख रुपए दोस्तों हमें जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स प्रोवाइड कराएंगे वो 1,46,00,000 रुपए के होंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 12 लाख जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और 1,46,00,000 रुपए जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 1,58,00,000 रुपए हो जाएगी। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो अब ये टोटल अमाउंट आपका 4,04,31,00,000 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मात्र 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगले 25 सालों में आप 4 करोड़ रुपए तक का धन भी जुटा सकते हैं। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा, बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मिनिमम इसके अंदर 500 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लमसम में भी आप मिनिमम 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जितना ऊपर चाहें आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप मात्र 500 रुपए से शुरुआत करके, चाहे आप 1,000 रुपए हर महीने करें, 1,500 रुपए हर महीने करें, 3,000 रुपए हर महीने करें, 5,000 करें, या उससे ज्यादा का अमाउंट करें, जितना ज्यादा अमाउंट आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर बड़ा फायदा आपको देखना है तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने लंबे समय तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, सही है। तो भले चाहे आप छोटे अमाउंट से अपनी SIP को शुरू करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यानी ज़्यादा समय के लिए करना है। अब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। या तो आप ICICI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद में भी आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में नहीं है डीमैट अकाउंट तो फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ग्रो या जीरोधा के साथ में ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में आपको दोस्तों सीधा सीधा इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाएगा। आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और दोनों ही चीज़ें आपके मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए, तो फिर घर बैठे ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ग्रो और जीरोधा दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।